हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। ये देखो, अभी ब्लैक मारा है मैंने, तो ये ब्लैक का देखो कैसा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे वाइट दिख रहा होगा, अभी मैं उस पर ब्लैक मार के दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा स्प्रे, ये जब सूखेगा ना तभी इसका ये होता है, असर होता है, सूखने के पहले नहीं होता। देखा आपने कैसा ब्लैक हो गया ये। ओके, इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना फ्रेंड, वो एक साइड से सिंगल साइड का टाइमिंग देके इस टाइम बनाना। बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आते रहता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम, ये कितना दूर से दूर भर जा रहा है, किसका डेट लेटर ही नहीं आ रहा है, कुछ कुछ कैसा आ रहा है। मुझे एक लिक्विड मिला ये वाला, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर छोटा स्टैम्प बनाना ना, एक दो स्टैम्प आपको, तो एक साइड के टाइम से ही बन जाता है। ये बड़ा आपको दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अभी पहले आपको क्या दिखा दिया मैं, नेगेटिव कैसे मारते हैं। ओके, अभी मैं इसमें क्या दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा क्यों दिखाया, क्योंकि तभी आपको छोटा समझेगा। अब छोटा उनके लिए जो कभी कभी बनाते हैं, लेकिन जो रेगुलर बनाते हैं वो तो बड़ा बनाते हैं, तो ये उनके लिए वो वीडियो है। ओके, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मैं देखिए लिक्विड कैसे हम ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, बाकी जो पुराने होंगे उनको तो ज़रूरत नहीं। अभी आज एक सर का मुझे फ़ोन आया था अहमदाबाद से, वो मेरे से मटेरियल ले रहे थे, तो वो बोल रहे 18 साल से स्टैम्प बना रहे। वो उन्होंने वीडियो भी मेरे को भेजा है। ओके, बस ऐसा कर लिया, हो गया। ओके, ऐसे रख लिया। अभी जल्दी में क्या होता है कि ना, एक ही प्रॉब्लम होता है, लिक्विड ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन मुझे दिखाना दूसरा है आपको, पहले मैं बड़ा दिखा रहा हूँ तो आपको समझेगा मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ओके, नहीं तो वो फिर डालेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा है क्या दिखाया और क्या दिखाना चाह रहा है वो। तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ अगले वीडियो में है, जैसा बाहुबली कैसा आया था, बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो वैसा समझ में बाद में आया, तो वैसा आपको समझ में बाद में आएगा। पहले आप ये देखो, ठीक है। अभी इधर देखो बबल्स है, इधर पहुँचा नहीं बराबर लिक्विड, और एक साइड से बाहर निकला है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल के इधर डाला था। अगर यहाँ नहीं भी है तो आ जाएगा, आप ये समझ लो कॉर्नर चारों बराबर होना चाहिए। ओके, हमने डाला, अभी हमने आप देखे रहेंगे 6 मिनट, 50 मिनट, 12 मिनट, ऐसा टाइमिंग देते हैं हमें। अभी ये जो नया लिक्विड आया ना, उसमें हम क्या दे रहे हैं वो देखिए, समझो लाइव ही है। ये बंद किया, ऊपर अपर चालू किया, ये कर दे कम किया ऊपर से, 3 मिनट 3 सेकेंड सॉरी, और 2 सेकेंड पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम चलो रिक्स नहीं लेते क्योंकि ओवरफ्लो है, फिर भी 2 ही देते हैं। चलो 2 दिया, ऊपर का टाइम ऑन कर दिया, लाइट बंद हो गया, नीचे का चालू किया, समझो 35, ये 30 भी दे सकते हैं हम, लेकिन फिर भी 5 सेकेंड का लिया ज़्यादा, क्योंकि पहला सेकेंड हमने कम कर दिया है। अभी इतना बड़ा लॉट है फिर भी हमने ये टाइमिंग लिया है। अभी वीडियो पॉज नहीं करता हूँ, समझो आप लाइव ही देख रहे हो, पूरा दिखा देता हूँ निकाल कर, उसके बाद हम चलेंगे जो हमको वीडियो बनाना है। ओके, बस ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर है नहीं। ये देखिए ख़त्म हो गया। अभी इधर से लिक्विड बाहर आया ना, ग्लास में चिपक गया, तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट हमको जो जिलेटिन रोल मारा है ना वही निकाल लेना है। अभी ये दोनों जो पैकिंग दिया है आपको, पहला तो वो रख लेना है, नहीं तो ये गुम हो जाता है हमेशा। ये हो गया, अभी आपको क्या करना है ना, इधर से ऐसा करके बस ये रख दिया उधर, ये उठा लिया, तो नीचे रख लिया, ये साइड में कर दिया, इससे आप दोबारा भी बना सकते हो। ओके, ये इतना क्लीन है, देखो एकदम लाइव दिखा दिया आपको। ओके, अब चलते हैं अपन वीडियो पे। पहले तो आप देख लो रबर स्टैम्प बनाने में लगता क्या क्या है। फर्स्ट तो ये ट्रेसिंग पेपर लगता है, एक तो मशीन लगता है, मशीन आपने देख लिया, ये लगता है ट्रेसिंग पेपर, उसके बाद आपको ये लगता है वो जिलेटिन रोल, ठीक है, जिलेटिन रोल पे, उसके बाद बॉर्डर टेप लगता है, फिर ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक करते हैं वो ये है, इससे डार्क होएगा आपको,
उसके बाद बैक सीट लगता है इधर, ये बैक सीट है, ओके बस इतना ही लगता है। और एक टेप लगता है, ये टिशू टेप लगता है, ये टिशू टेप, ओके बस इतना ही लगता है। अभी हम चलते हैं स्टैम्प बनाने के। अभी हमने एक प्रोडक्ट लिया है नॉर्मल पेड का स्टैम्प, जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी हम भेज देंगे। और दूसरा क्या, पेड़ तीन तरह का ही पेड़ ही है, दूसरा कोई स्टैम्प है नहीं। आप भी जो भी स्टैम्प, बहुत सारे वीडियो है मेरा और लिंक में डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक रहते हैं भी। और शॉर्ट्स में भी देखिए स्टैम्प बनाए हुए हैं बड़े से बड़े, यही लिक्विड में, जो लिक्विड का मैं सिर्फ सिंगल साइड, एक साइड से ना ये बना सकते हो, कोई डबल साइड आपको टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। समझो एक दो स्टैम्प अर्जेंट में बनाना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दो साइड, या किसका दो साइड का ट्यूब है कि नहीं। जिसको बिगिनर्स है ना, जिसको कम स्टैम्प बनता है, उसके लिए तो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है। अभी आपको दिखा दिया मैंने कितना कम से कम में बन रहे हैं। अब ओके, अभी देखो प्रिंट आ गया। अब इसको डार्क कैसे करना है ये सब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट में। हम तो क्या करते हैं ना, ये सब छोटे छोटे में भी ट्रेसिंग पेपर प्रिंट ले लेते हैं। अब क्या करना है आपको, एक प्रिंट इन्हांसर इस पर मार लेना है, बस ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि भर नहीं देंगे, ओके। आपको हल्का सा देखा आपने कैसे लाइव काला होता है, तो लोग बोलते हैं काला नहीं, काला नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा फ्रेंड, वो ये होना ही चाहिए तभी वो काम करेगा, ओके। अभी क्या करना है, फटाफट हमने कट कर लिया, ओके। अभी मैंने क्या किया, जिलेटिन रोल ले लिया, पानी ले लिया, पानी से आपको, और इसको आप स्पंज से भी करते हो, स्पंज से भी कर सकते हो, उसका भी दिखा दूंगा मैं वीडियो आपको। पानी ज़्यादा ले लिया मैंने, फिर भी चलेगा, छोटा स्टैम्प है। और क्या करना है, कपड़े से पानी को दूर करना है, फटाफट हो जाता है ये 10 सेकंड का काम है। अभी क्या करना है आपको, फटाफट बॉर्डर टेप मार लेना है चारों साइड से बॉर्डर पे। इसके बाद आपको क्या करना है, बस थोड़ा प्रेस कर देना है। और आपको क्या मैं दिखाने जा रहा हूँ, सिंगल साइड से एक साइड टाइमिंग देके स्टैम्प कैसे बनाए, ओके। मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए उसके ऊपर, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो मालूम पड़ा रहेगा, तो अगर नहीं देखे रहेंगे तो आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट्स है उसके ऊपर। एक स्टैम्प को मैंने सिंगल टाइम देके बनाया है, लेकिन शॉर्ट्स में क्या उतना दिखा नहीं पाते और उतना दूर से दिखता भी नहीं ना, फटाफट करके। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि बहुत सारे को टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, उनका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। और प्रोडक्ट मैंने एक रह गया था, देखिए ये हाइपो है, हाइपो ये पानी जिसमें हम वॉशिंग करने के बाद डालते हैं ना हार्ड होने के लिए, वो पानी है। ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं और उसमें एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ओके। अभी आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, इसके पहले वाला जो हमने बनाया है ना, ये देखो लाइट बंद किया और इसको निकाल लिया। अभी कैसा हुआ है, अभी आपको दिखाया था इसमें क्या 2 सेकेंड और 35 सेकेंड का टाइमिंग दिया था, वही स्टैम्प है। पहले तो निकाल के दिखाया था आपको, क्वालिटी देखोगे अच्छा चमक रहा है, ये डीप बीप देखो, एक डॉट भी नहीं हिला है और एक सरीके का दिखेगा आपको, ये देखिए क्वालिटी अच्छा से दिखाइए, लाइट नहीं आ रहा है इधर, क्लियरिटी दिखाइए, दिख रहा है क्या, हाँ देखिए कैसा क्वालिटी आता है। अभी आपको जो ये दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो स्टैम्प बना रहा हूँ ना, ये वाला, ये आपको विदाउट, ये वाला बिना फर्स्ट टाइम के दिखाऊंगा, ओके। ये देखो आप लोग के लिए मैंने एक रेडी किया है, रबर से मेकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, उसमें क्या क्या लगता है थोड़ा नज़दीक से दिखाइए कि पढ़ने को हो जाए। धीरे धीरे नीचे जाइए, अभी देखिए आपको क्या क्या लगता है ना, इसमें सब है, ओके। और क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लेना है वो सब भी है, इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा अगले वीडियो में, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना आप। तो आपको क्या मटेरियल लगता है वो भी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब नीचे डॉक्यूमेंट है क्या क्या लगता है, हमने लेमिनेशन करा के रख दिया इसको, ओके फ्रेंड।
अभी हम चलते हैं विदाउट फर्स्ट टाइमिंग कैसे बनता है वो। तो ये देख लो, ये प्रोडक्ट है, जो कोई भी स्टैम्प लेगा ना उसको ये सब मटेरियल लगने वाला है। ओके, अभी देखो ये सब कॉर्नर बिना नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जो एक स्टैम्प दो स्टैम्प बनाते हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता, तो मैं उनके ऐसा स्टैम्प बनाता हूँ। सीधा डायरेक्ट बैकशीट रखेंगे अपन, ऐसा थोड़ा लिक्विड बाहर जाएगा अंदर आएगा, वो सब कुछ नहीं देखेंगे, सीधा पैकिंग तो रखेंगे हम। पैकिंग क्या है, ये जो बॉर्डर टेप है ना, इससे थोड़ा सा जाड़ा है ये, बस थोड़ा ठीक है इससे, है ना, इससे थोड़ा ठीक है। ओके, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया हुआ है। और उसके बाद ये कांच रख दिया, ओके, और ये चेक कर लिया, हाँ बराबर है। ओके, अभी हम फर्स्ट टाइम इसको देते हैं, नहीं डायरेक्ट नीचे का बैक सीट का टाइम देंगे, ऊपर का टाइम नहीं देंगे, ये नहीं देने वाले हम, डायरेक्ट ये देने वाले, समझो कितना 30 या 35, जो पहले जो दिए थे ना वही। तो ये बंद कर देंगे और ये चालू है, डाउन चालू है। ओके, तो अभी हम ये ऑन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसको टाइम देने वाले हैं 35, वो ज़्यादा हो गया 34, ठीक है डन। ओके, ऑन किए, कौन सा हुआ, नीचे वाला। ओके, अभी आप देखो, इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, लाइव ही दिखाता हूँ, कोई कट नहीं करता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये कैसे बन रहा है। ओके, डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, आपको किधर रख दिया डॉक्यूमेंट, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दीजिए फिर से, तब तक टाइमिंग हो रहा है तब तक। ओके, ये देखो टाइम ख़त्म हो गया, अभी डॉक्यूमेंट हटा देते हैं, पहले आपको ये सिंगल सा टाइम से कैसे बनता है। अभी देखिए लिक्विड बाहर आता है, थोड़ा सा आया है। ओके, पहले भी लिक्विड बाहर आता है थोड़ा डाउट हो जाता है कि लेटर उड़ तो नहीं गया, डॉट गया तो नहीं है, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो फर्स्ट एक ही टाइम से स्टैम्प इतना अच्छा बन गया। अभी आपको वॉशिंग करते हैं, अपन लिक्विड निकालना है देखो, क्योंकि ये काम में आता है दोबारा, देखा आपने, ऐसा ऐसा करके ना लिक्विड निकालना है। ये डिजाइन देखो, डॉट देखो, कितना डॉट है इसमें, नज़दीक से दिखाइए जरा, डॉट दिख रहा है क्या, लाइन भी, ये देखिए ये लाइन आया है देखो, कितना डॉटेड है ये सब डिजाइन। ओके, ऐसा घस देना है, ताकत लगा, ऐसा नहीं ज़्यादा ताकत लगाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कम भी नहीं लगाना, लगा देना, कुछ उड़े उड़ेगा नहीं, गारंटेड है 100% ख़राब नहीं होगा, ये लिक्विड इतना अच्छा है। बस ये देखिए, बस हो गया पूरा वॉशिंग, मस्त एकदम ब्यूटीफुल आया गया, ये देखो क्लियरिटी, अब देखो डॉट तक हिला नहीं फ्रेंड। ओके, मस्त बनाओ अभी, बस इसमें हाइपो के पानी में, ये देखो हाइपो जो अभी दिखाया था ना उसके पानी में थोड़ा देर, आधा एक मिनट के लिए डाल देना आप, उसे चिकट खत्म हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ओके, टाइम बंद किया, ऐसे आपको उसको निकाल लेना है और एक सूखे कपड़े से एक दो बार उसको साफ कर लेना है, देखो कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा उसे साफ कर लिया, नीचे का जो हाइपो का पानी रहेगा वो निकल जाएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, ये टेप में चिपकेगा नहीं, उसके लिए आपको हाइपो का पानी का अच्छे से निकाल लेना है, और उसके बाद एक वर्ड आप सेलेक्ट करना, वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट हो जाता है वो, ऐसा किया कैंची से या जो भी आपके पास जैसे कटिंग करते हो, आपको जो डॉटेड वाला है ना वो दिखाता हूँ, ओके फटाफट इसको निकाला, ये देखिए क्वालिटी इसका, अभी आपको रेडिंग में मार के दिखाता हूँ, थोड़ा प्रेस कर लेना है। ओके फ्रेंड, तो अगर आप भी बना सकते हैं इस टाइम, और कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट पर डालो, थैंक यू, धन्यवाद।